नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म के एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी जमुना की लाइव मिल्किंग आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप देखिए फार्म पे हैं और शाम का समय हो चुका है। चलिए फार्म के अंदर चलते हैं और जमुना के पास चलते हैं और उसकी मिल्किंग करते हैं। अभी आप देखिए तैयारी हो चुकी है, साढ़े पाँच से साढ़े पाँच के बीच में मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है इनकी। आप देखिए यहाँ पर जमुना की मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी बाटे में क्या क्या खिला रहे हैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या क्या खिलाते हैं। ये देखिए, तो एक तो ये खल है और दूसरा आप ये देखिए गेहूं का दलिया है। ये देखिए, ये दो चीज़ें हम मिक्स करके गायों को खिलाते हैं, जिससे कि इनका दूध अच्छा मिलता है और ये हमें काफ़ी अच्छे रेट में भी मिल जाता है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। और सारी गायें, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक गाय नहीं है, दो गाय नहीं है, कम से कम 10 से 12 गाय हैं, तो ये थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है। अभी यहाँ पर देखिए, और सबसे ख़ास बात क्या है दोस्तों, मिल्किंग देखते हैं कितना दूध देता है। इतना बड़ा आर्डर है तो कितना दूध आता है वो देखते हैं हम। चलिए फटाफट से मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है और दूध थोड़ा आराम से निकालना है ना। अभी क्या है, आर्डर अगर आप देखोगे ना तो थोड़े बड़े हैं, थोड़ा सूजन भी रहता है, क्योंकि सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ है डिलीवरी हुए। अब देखते हैं कितना दूध देती है। और बछड़ी को हमने पहले ही दिला दिया है, क्योंकि बछड़ी दिन भर खुली थी तो उसने पूरा दूध पी लिया है, फिर भी हम दूध रखेंगे। अभी आप देखिए, चलिए अभी सिर्फ दो थन का निकाल रहे हैं। और ये बाल्टी जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बड़ी बाल्टी है, इसमें आता है कम से कम 7 से 8 लीटर दूध पूरा पैक होने के बाद में। चलिए मिल्किंग चालू हो गई है, चलिए निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथों को थोड़ा आराम से अपन को दूध निकालना है ना दीपक। और बछड़ी के लिए भी दूध रखना है अपन को, एक थन पूरा रख देंगे बछड़ी के लिए। लाइव मिल्किंग, ये इधर साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ बछड़ी को दे दो, अगर पीती हो तो दे दो उसको। हाँ ठीक है, देखिए बाल्टी नहीं आ रही है वहाँ नीचे, उधर थनी आ गया है। ये देखिए चलो मिल्किंग चल रही है, बाटा भी आराम से खा रही है ये। ये देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना, जमुना की मिल्किंग दिखाओ, जमुना की। बहुत टाइम पहले हमने दिखाई थी, उस समय भी 8-9 लीटर आ गई थी एक टाइम में, और अभी भी इसकी मिल्किंग देखते हैं कितनी आती है। मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ दो थन का दूध निकाला है, आधी से ऊपर ज़्यादा बाल्टी आ गई है, फिर से वो तो उतना ही दूध आ जाएगा उसमें। इस साइड नहीं बैठाएगा ना, इधर से निकालना पड़े। हाँ इस साइड थोड़ी जगह कम है, इधर से निकाल लो। अरे यार ये इधर इस साइड खिसकाना पड़ेगा, नहीं तो सीता खींच लेगी। सीता तुम्हारा नंबर भी आएगा, चलने दो। नहीं देखिए सीता मार भी नहीं रही है इसको, नहीं तो बाकी उधर एक दो गायें ऐसी है ना, दूसरे को बछड़े को देख के ही मारती है। चलने दो, बछड़ी के लिए रखना है ना दूध, पुरानी निकालना है अपन को। मैं तो यहाँ पे हमेशा कहता रहता हूँ, जितने भी बछड़े हैं बछड़ियाँ हैं उनको दूध अच्छे से पिलाओ, दूध में कंजूसी करनी ही नहीं है।
दूध में कंजूसी करोगे तो कोई मतलब है ही नहीं। और वैसे हम मुझे तो दूध का रेट ज़्यादा मिलता ही नहीं मेरे गांव में, हम तो घी बनाते हैं इसीलिए हम ज़्यादा दूध पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ पाँव तो का है, आराम से निकालो दूध, कोई दिक्कत नहीं है। ये जमुना के लिए हमने मेड भी लगा रखी है दो, ताकि थोड़ी आराम से बैठ पाए। चलो हो गया, हाँ ठीक है, हटा लो बाल्टी, हटा लो, बस बछड़ी के लिए रख लो दूध, बाकी का इधर दो मुझे। ये देखो दोस्तों, दूध आ चुका है अपने हाथों में, और ये है बाल्टी। अब कितना दूध होगा, लगभग मेरे हिसाब से 6.5-7 लीटर दूध आराम से है। अब बोलोगे आप, भाई ये तो बहुत कम है। ये कम इसलिए क्योंकि आप देखिए, सिर्फ एक दिन की बछड़ी है और लगभग 2-3 दिन के बाद दूध बढ़ता है, वो भी आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। जो इसका हाईएस्ट दूध रहता है ना, वो भी आपको दिखाएंगे कितना देती है। थोड़े दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए, बछड़ी अभी एक ही दिन की है, इसको थोड़ा दूध पीने देते हैं। और जब भी हम तो लाइव मिल्किंग करते हैं ना, बछड़ी को या बछड़े को खुल के दूध पिलाते हैं भाई, उसमें 1% की भी ऐसा करते नहीं कि यार दूध ज़्यादा आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। इन बछड़ों को भी दूध आना चाहिए, वैसे हमारे फार्म पे गायें दूध ज़्यादा देती ही देती है, कोई टेंशन ही नहीं है, दूध हमेशा ज़्यादा देती है। क्योंकि हम डाइट अच्छी रखते हैं, उनकी खिलाते हैं अच्छे, प्लस घूमने के लिए भी जाती है। और यहाँ पे जो हम डाइट देते हैं ना, ये भी एक नंबर है। इसमें हम टाइम टू टाइम सीज़न के वाइज चेंज भी करते रहते हैं। जैसे अच्छा सीज़न आ रहा है तो गेहूं का सीज़न आया, गेहूं तो हमेशा चलता ही है, मक्का आ गया बीच में तो मक्का भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, दाल आ गए तो दाल के टुकड़े वगैरह ये सब मिक्स करके ऐसे चलते रहते हैं। तो सीज़न वाइज सीज़न चलता रहता है और मिल्किंग हमारी बढ़ती रहती है। अभी आप देखिए बछड़ी दूध पी रही है, इसको पीने देते हैं, ये देखिए। और उधर के एक थन में हमने दूध रखा है बछड़े के लिए, ये देखिए, तो हमारी बछड़ी बाद में पी लेगी, ये देखिए। वैसे ये दिन भर इसके साथ में थी, और यहाँ पे आने के बाद तो हम इसको छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, और अभी इसको यहीं पे बांध के रखते हैं हम गाय के साथ में, यहीं पर बैठ रहती है ताकि ये भी थोड़ी करे ना। क्योंकि अगर हम यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे पार्ट है देखिए बछड़ों के लिए वहाँ पे, तो अगर इतनी दूर रखेंगे तो फिर इसको बहुत अजीब लगेगा, और ये यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, फिर इधर से उधर करेगी। तो इसलिए थोड़े टाइम तक हम क्या करते हैं, जितने भी बछड़े रहते हैं या बछड़ियाँ रहती है, उनको गाय के पास में ही रखते हैं, उन्हें भी अच्छा रहे और अपना भी काम वहीं पे जल्दी हो जाए। अभी ये देखिए जमुना का दूध यहाँ पे निकालेंगे, ये गंगा है वो जमुना है, तो यहाँ पे आप देखिए अभी गंगा का दूध स्टार्ट होगा। और ये यहाँ पे बछड़े हैं सारे, ये देखिए, ये यहाँ से पार्ट थोड़ा दूर है वहाँ तक का है, पर ठीक है, काम चल रहा है अभी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई, ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको पसंद आ रही कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।